वेरी गुड इवनिंग। अब शुरू में क्योंकि लखनऊ में है ना तो मेरे को इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। हमारे फिना साहब ने तो बड़ा अच्छा इंग्लिश में दे दिया लेक्चर, तो अभी इन्होंने बताया जो कि थोड़ा सा मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इंटरेस्ट भी है थोड़ा, बट उसका मैं एक फ़ायदा यहाँ ले लूँगा क्योंकि मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन्होंने सबके नाम ले दिए कौन कौन यहाँ प्रेजेंट थे। तो कंप्यूटर का एक सिस्टम है वो कट कॉपी कर देते हैं, तो मैं उसको अडॉप्ट करके सारे नाम यहाँ ले लूँ क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा तो कोई ना कोई मिस जरूर हो जाएगा, बट इन एनी केस अगर कोई रह गया हो तो वो बीच में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी मैं बनारस गया था तो वहाँ एक चीज़ सुनने में आया कि बनारस की सुबह और अवध की शाम और मालवा की शायद वो रात कहते हैं, तो मालवा तो उधर ही है, वो रात में क्या होता है वो पता है, बट यहाँ अवध की शाम में हम सब एकत्रित हुए हैं। चौधरी साहब ने बहुत चीज़ें बताई, जो चीज़ें कुछ हुई हैं कुछ होंगी, कोशिश तो सारी करेंगे करने की, उसमें कोई बात नहीं क्योंकि हमारा किसी का इंडिविजुअल काम नहीं है, वी ऑल एग्जिस्ट बेसिकली, लिटिगेंट जो हमारे पास आते हैं उनके लिए ही हम हैं, तो उनको ठीक टाइम पे सर्विस प्रोवाइड हो, उनके केसेस डिसाइड हो, यही हमारा काम है बेसिकली। अब दूसरी, ये इस बिल्डिंग में यहाँ तो पहले नहीं आया था मैं इस तरफ, पर वैसे अयोध्या नहीं है, लखनऊ में ही आया हूँ दो तीन दफ़ा कॉन्फ्रेंस में, तो बिल्डिंग उधर देखी मैंने, तो इस बिल्डिंग को देख के तो सारे हिंदुस्तान में भी कोई भी जेलस फील करेगा। कोर्ट्स मैंने बहुत जगह देखी हिंदुस्तान में, कई जगह देखी, इतनी बेस्ट, आई थिंक दिस इज दी बेस्ट, नॉट वन ऑफ दी बेस्ट। और अभी बॉम्बे में भी एक नई कोर्ट बनने वाली है, हाई कोर्ट, वहाँ शायद शिफ्ट होगी, कुछ प्लानिंग में है, तो ये शायद हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे से नक्शा मंगाया है इसका। तो नेचुरली ये बहुत अच्छी प्लान हुई है बिल्डिंग, मतलब जैसी एक कोर्ट की बिल्डिंग होनी चाहिए, पर उसके साथ ही एक बात और भी है कि किसी भी जगह का बिल्डिंग से कोई रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइफ उसको जो लोग वहाँ काम करते हैं उन्होंने दी है, और वो सब हमारी ड्यूटी है। जो लोग जितने भी हैं, मतलब मैं कहूँगा कि हमारे पीएन से लेके आपके क्लर्क से लेके और जो टॉप तक जितने आदमी काम करते हैं, सबका अपना अपना रोल है, जो भी काम हम करते हैं हम ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हमारे पीएन का रोल बहुत कम है, वो तो क्लास 4 एम्प्लॉई है, उसका कोई रोल नहीं है। अगर हमारे पास टाइम से फाइल नहीं पहुंचेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम भी एडवोकेट रहे हैं शुरू में, 20 साल वकालत की है, तो जो हमारे साथ क्लब काम करते हैं, मुंशी, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं डिफरेंट जगह, उनका अपना बहुत रोल है, और मैंने ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मुंशी देखे, यहाँ पर भी होंगे जिनको जजमेंट्स भी आ गए, उनको आप ये बताओ कि ये जजमेंट थी वो केस था, वो 1 मिनट में निकाल के दे दें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हर एक आदमी का रोल, जो भी हमारे सिस्टम में है, तो हमारे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उसको सबको। और दूसरी, अभी प्रेसिडेंट साहब ने एक और बात बताई, तो उससे तो यही लगता है कि चाहे हम जज भी हो जाएं पर वकील तो हमारे को करना पड़ेगा अगर कोई डिस्प्यूट हो गया। इन्होंने कुछ ये बता दिया कि जजेस ना बता सके, इन्होंने बता दिया, तो इनको वकील एंगेज किया है, ये प्रधान है बार के, तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं। एडवोकेट्स को तो वैसे भी बोलने के पैसे मिलते हैं, हमारे को सुनने के मिलते हैं, इसलिए हमने सबका लेक्चर सुन लिया है, बोलने का काम हमारा सिर्फ जजमेंट से होता है ज़्यादा, तो उसमें वैसे भी अगर कोर्ट में जाए हम बैठे होते हैं, जैसे कोर्ट में जाना तो है ही है, ड्यूटी का पार्ट है, तो उसमें भी अगर जज ज़्यादा बोलते हैं तो वो वकील ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा बोलते हैं,
तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा एंड में कि हमारे को सबको मिलजुल के काम करना है जो भी है, और जो जो इश्यूज इन्होंने बताया डेट वाला बताया था वो हम वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट दैट, और कोशिश करके जल्दी ही आपको उसका सोल्यूशन देंगे कुछ। और वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो चीज़ें हम और करेंगे यहाँ पे, अगर आप डेट की बात करें तो वो बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको और फैसिलिटीज देंगे इन नेक्स्ट आई थिंक 3 महीने तो लग जाएंगे उसमें, थोड़ा सा 2-3 महीने तो बहुत कन्वीनियंस आपको मेरे ख्याल से होगी। और टेक्नोलॉजी के उसमें हम और भी चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे तो उनको भी मैंने बताया कि कहाँ कहाँ और डिपार्टमेंट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको, जिससे हमारा कोर्ट का सिस्टम बहुत फैसिलिटेट होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, इन सेट के भी हम जल्दी ही वो चीज़ें भी अडॉप्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का फायदा हमारे को सारी जगह हो जाता है, काम बहुत जल्दी होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आती है उससे सारी जगह, तो वो सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करेंगे। उसमें आपका हमारे को सपोर्ट चाहिए, जैसे अभी ई फाइलिंग का काम शुरू हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ केसेस में मैंडेटरली मतलब केसेस जो है वो ई फाइल ही होने चाहिए, सारी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है, तो उसके अंदर भी ग्रेजुअली हम कुछ कैटेगरी ऑफ केसेस को कंपलसरी करेंगे कि वो ई फाइल ही हो गए। तो उससे अब जैसे ई फाइल केसेस हैं हमारे जो ऑर्डर अपलोड होते हैं तो उससे कितनी कन्वीनियंस है कि आपको घर बैठ के ही ऑर्डर का पता लग जाता है, तो वो ग्रेजुअली हम वो भी करेंगे। कोर्ट फीस है जैसे ई स्टैंपिंग है, अब वो आप घर पे बैठ के जनरेट कर सकते हैं कोर्ट फीस सारी। उसका एक और एडवांटेज भी है, अब आपने कितनी भी कोर्ट फीस लगानी है, बहुत सारे पेपर बुक मैंने देखे जिसमें 10 रुपये की, 5 रुपये की, 20 रुपये की बहुत सारी टिकटें लगी हैं, 2-2, 3-3 पेजेस लगे, वो अमाउंट तो उतना ही लगना है, पर आप कॉस्ट लगाइए जो उस कोर्ट फी को प्रिंट करने की है, वो जो पेपर है वो बेसिकली जो जिस पे करेंसी प्रिंट होती है उस लेवल की क्वालिटी के पेपर होते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत है, अदरवाइज आप नॉर्मल पेपर के ऊपर कोर्ट फी ऑनलाइन प्रिंट करेंगे ई कोर्ट फी तो उसको आप पेश करेंगे तो वो भी हो जाएगा। हम ये जो आपकी बात की स्टैंपिंग है कुछ उसको भी हम उसमें कर सकते हैं, ऑनलाइन आप प्रिंटिंग कर सकें उसको भी हम, अगर बाहर काउंसिल का है कुछ जो भी सिस्टम है उससे इंटीग्रेट करके जो मनी है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो जितना जितना हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेंगे, हालांकि मैं उसमें इलिटरेट हूँ तो मेरे को पता नहीं है, पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि उसमें हमारे को बहुत फ़ायदा होगा, हम घर में बैठ के बहुत सारे काम कर सकेंगे। अभी कोविड की जैसे हमने पोजीशन देखी, पूरे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से हम सब सफ़र कर रहे हैं इससे, पर एक चीज़ पॉजिटिव है कि सब डरे हुए थे कि थर्ड वेव आएगी, बट समहाउ हम सब बचे हुए हैं, और ये अच्छी बात है शायद हमारे सबकी। यहाँ हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेयर बहुत होती है, आप कुछ भी लगाइए हमारे इतने लोग हैं सारा दिन प्रेयर में रहते हैं बहुत सारे, तो उस प्रेयर्स का इफेक्ट कुछ तो है यहाँ। किसी भी आप रिलीजन की बात कीजिए सब जगह प्रेयर बहुत होती है, तो वो प्रेयर का इफेक्ट हमारे को बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव मिला कि थर्ड वेव से हम बच गए। और एक पॉजिटिव पार्ट अगर हम कोविड की लगाएं तो हमारी टेक्नोलॉजी का पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, कोर्ट्स के सिस्टम में बहुत फास्ट हो गया वो, जो पहले इतना फास्ट नहीं होना था शायद, हमारे फेजेस में प्लानिंग थी सारी बट इतना फास्ट प्लान नहीं था, तो उसका एक रिजल्ट है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम। और उससे आप ये देखिए कि आप अपने घर में बैठ के भी केसेस की बहस कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ इसका कि वो हम फास्ट ट्रैक पे ला सकें इस चीज़ को। अब कोई भी एडवोकेट कहीं पे भी है, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बताता हूँ, एक केस सुन रहे थे हम तो एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट थे, तो वो कहने लगे कि जी आप इसमें डेट जो है वो आफ्टर वेकेशन डालें, तो मैंने कहा जी अभी केस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो इसमें आफ्टर वेकेशन तो पेंडिंग हो जाएगा। ये कहते नहीं जी मैं कोविड के कारण यहाँ लॉक में मतलब लॉकडाउन ही थे या रिस्ट्रिक्शंस थी तो बहुत दुखी हो गया हूँ, तो मैं तो अमेरिका अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ ब्रेक के लिए। मैंने कहा जी फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आप अमेरिका से आर्ग्यू कर देना। अब उन्होंने वहाँ से कैलिफोर्निया से वो केस आर्ग्यू किया, तो उनके पास कोई पेपर वर्क भी नहीं थी क्योंकि याद था केस तो उनको, क्योंकि उन्होंने आर्ग्यू पहले भी किया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांस हैं, हमारे सालवे साहब हैं हरीश सालवे जी, वो इंग्लैंड से ही आर्ग्यू करते हैं केसेस सारे, या बहुत सारे हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो दिल्ली में हैं, या यहाँ से भी बहुत सारे एडवोकेट डिफरेंट कोर्ट्स में आर्ग्यू करते हैं केसेस। तो ये बड़ा एडवांटेज हो गया, इससे जो हम ये कहते हैं कि कोर्ट हमारे से दूर है वो आई थिंक अब नहीं रहा,
अगर आप इलाहाबाद में कोई, अभी एक और चीज़ हम यदि पैसेंजर टाइम ऐड करेंगे, तो अगर आपको कोई इलाहाबाद में केस बहस करना है तो आपको उसकी फैसिलिटी यही देंगे, आप यहीं से बहस कर सकते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो इस तरह ये बड़ी एडवांटेज की चीज़ है कि टेक्नोलॉजी से हम ये सारी चीज़ों का बेनिफिट लें। तो बाकी तो अभी यहाँ काम शुरू हुआ है, अगर आप सब लोग साथ देंगे तो हम बहुत दूर तक चलेंगे। पर एक चीज़ जरूर है कि आप सारे अखबार तो पढ़ते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में ज़रा थोड़ा सा बैड नेम चला हुआ है, और वो है हमारी पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल अपील्स। तो उसके अंदर आप लोगों का साथ जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 70 से हमारे पास केसेस पेंडिंग पड़े हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल भी। तो उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए, जो भी एडवोकेट्स उसमें हैं, सो दैट हम वहाँ बता सकें सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम ये काम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, इलाहाबाद में भी बहुत केसेस हैं, यहाँ पे भी बहुत केसेस हैं, ताकि वो डिस्पोज ऑफ अगर हो सके, जिसमें भी किसी को एक्विटल होनी है वो भी है, किसी की कन्विक्शन अपहेल्ड होनी है जो भी है, जो भी उसका होना है अल्टीमेटली, तो उसमें रिक्वेस्ट जरूर है, क्योंकि केसेस हम वो अब लिस्ट करेंगे, लिस्ट हुए हुए भी हैं। और दूसरी इसके साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे ओल्डेस्ट केस लखनऊ में 1974 का है, सिविल मैटर है कंसोलिडेशन, तो हम ओल्ड केसेस भी लिस्ट करने शुरू करेंगे। उसमें भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम एक टारगेट लेके ये चल रहे हैं कि भी हम ईयर वाइज डिस्पोजल करेंगे, सो दैट कल को हम ये कह सकें कि हमारे पास 75 से पीछे का कोई केस नहीं है, फिर 76 है, 77 है, कोई कोई आपको हम फिर ये कह सकें कि हमारे पास तो 80 से आगे का कोई केस नहीं है, 81 से स्लोली तो उस तरफ प्रोसीड करेंगे। तो उसमें आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करेंगे ऑन प्रायोरिटी, तो उससे हमारी जो कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है हिंदुस्तान में, और सबसे काम भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और आप ये देखो कि पॉपुलेशन तो यहाँ हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 20% है, तो लिटिगेशन भी 20% यहीं पे है। हिंदुस्तान में कोई 4-4.5 करोड़ केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जिसमें से ऑलमोस्ट 1 करोड़ यूपी के अंदर है। अगर आप हाई कोर्ट में लगाएं तो हाई कोर्ट में भी अबाउट 20% केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको एफर्ट करके जितना जल्दी हो सके डिस्पोज ऑफ कराएं। और जैसे हमने एक रिक्वेस्ट की है कॉज लिस्ट में कि आप लोग वो लिस्ट हमारे को केस के नंबर प्रोवाइड करेंगे अगर, तो हम उन केसेस को जो इन्फेक्शस हैं या कवर्ड हैं वो डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे जल्दी। और उसका फ़ायदा एक होगा कि जो हमारी क्वालिटी लिटिगेशन है जिसमें कुछ आर्गूमेंट होने हैं, उसके लिए समय बचेगा फिर ठीक, और वो भी टेकअप हो सकेंगे। अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हमारे पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि कॉज लिस्ट लंबी है या केसेस लिस्ट नहीं होते जो अदरवाइज इन्फेक्शस हैं या जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब का, सब बार मेंबर्स का, हमारे पाठक साहब भी आए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका तो घर है, उन्होंने बता दिया कि होम कमिंग है। सो नेचुरली लॉयर नेवर डाइज, जो एडवोकेट है वो किसी के अंदर मतलब सारी ज़िंदगी जिसको कहते हैं मरता नहीं है, तो कभी भी वहाँ हो तो दिन नहीं रहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, थैंक यू वेरी मच।